विश्व मैत्री संघ की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अन्ना साहेब पाटिल के कर कमलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राष्ट्र गौरव 2021-22 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह बहुत ही देशभक्ति और उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया था। रामकृष्ण मौर्य हॉल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देशभक्ति पर गीत प्रस्तुत किए गए। 1008 इंदौर वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती के साथ केंद्रीय मंत्री अन्ना साहेब पाटिल को राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1008 इंदौर वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती ने कहा, देश की स्वतंत्रता समृद्धि और मजबूत होनी चाहिए। सनातन धर्म और इस धर्म को मानने वाले लोग शक्तिशाली, विद्वान, बुद्धिमान हैं। हिंदू धर्म के लिए आत्मसम्मान बनाया गया है। इस तरह सभी में हिंदू धर्म के प्रति सम्मान पैदा करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों को विश्व मैत्री संघ द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।